नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं गुजरात की कुछ खास खबरों की। सूरत गुजरात से लेकर बड़े छोटे शहरों तक हर गांव मोहल्ले में बाबा साहब अंबेडकर को याद किया गया। बाबा का श्रद्धांजलि दिवस मात्र उनके गुणगान करने नहीं, बल्कि यह दिन सभी को आत्ममंथन करने का दिन है, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के लिए अथवा शोषित बहुजन समाज एवं मानव कल्याण के लिए, ये कहने वाला हूँ, उनकी सभी पुस्तकों को याद कर उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखकर अपने घर में व श्रद्धांजलि समारोह स्थल पर लगाना चाहिए। साथ ही संकल्प लें कि आज से मैं बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं अपने जीवन में निभाने में सक्षम हूँ और उनके संकल्प निभाऊंगा और समाज को शिक्षित और संगठित कर मिशन को बढ़ाने के लिए आजीवन संघर्ष करूंगा। ऐसा करना ही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। सूरत से कैलाश मंगले की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम लाल बहादुर गौतम है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा गुजरात राज्य प्रभारी हूँ। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 63वां महापरिनिर्वाण दिन है। इस अवसर पर देश और विदेश में बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत आज सूरत के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को सही मायने में सभी सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब बाबा साहब की जो संकल्पना थी प्रबुद्ध भारत बनाने का, उस क्रम में हमको लग करके काम करना होगा। ये देश को बौद्धमय करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर साहब है, मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 दिनों से लगातार दिन रात लग करके लोगों को बौद्धिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम भी उनका अनुसरण करते हुए ये कार्यक्रम यहाँ ले रहे हैं। तो हमारे साथ में सूरत जिला के तमाम बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC सभी लोग जुड़ करके इस कार्यक्रम में साथ सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ जिला के अध्यक्ष गणेश गौतम जी, गुजरात राज्य प्रभारी नितिन भाई हिरवाले जी और तमाम हमारे जो आगेवान साथी हैं, सभी लोग कल से ही लगे हुए हैं। ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, सभी लोग का इसके अंदर साथ सहयोग है। सभी लोग इसके लिए काफ़ी परिश्रम करके यहाँ तक ये कार्यक्रम पहुँचाए हैं। तो सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूँगा कि यदि आप बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए है। भारत को जब तक हम प्रबुद्ध भारत नहीं बनाएंगे तो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं आपके चैनल को सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण देते हुए इस कार्यक्रम को रोड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। मेरा नाम आशाबेन विनोद भाई मंगड़े है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष राजरत्न साहब उनके यहाँ भारतीय बौद्ध महासभा की गुजरात राज्य प्रभारी हूँ। और आज हमने जैसे बाबा साहब को नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हुए खरे मायने में जो उनका सपना था वो पूरा करने का मकसद हमने लिया है और आज यहाँ पे हम लोग बौद्ध धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र सबको वितरण कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब का उद्देश्य क्या था। जैसे बाबा साहब ने का सपना देखा था कि भारत बौद्धमय होना चाहिए, वही सपना को हम लोग साकार करने के लिए लगे हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बहुजन समाज को मेरा सप्रेम जय भीम। मैं नितिन कुमार भास्कर हिवराड़े आज भारतीय बौद्ध महासभा में राज्य प्रभारी पद पर कार्यरत हूँ। आज सूरत जिला में सूरत सिटी में जो 6 दिसंबर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस संदर्भ में भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो बौद्ध धम्म दीक्षा सर्टिफिकेट बनाने का जारी चालू है, सर्टिफिकेट बनाने का स्टॉल भी यहाँ पे लगा है। सभी बहुजन समाज के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके सर्टिफिकेट का लाभ उठाए और अपना बुद्धिस्ट होने का सर्टिफिकेट सारे दुनिया को दिखाए। नमो बुद्धाय। जय भीम जी। मारू नाम सोनवाणी चंद्रपांच है ने आज 63वां डॉक्टर बाबा साहेब जी ने 63वां महापरिनिर्वाण दिवस निमित्ते भावपूर्ण श्रद्धांजलि आपवा माटे अमे सूरत शहर थी तमाम सामाजिक संगठनाना सामाजिक कार्यकर्ताओ अने समाजना तमाम अग्रणीओ आवीने शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि भावपूर्णक श्रद्धांजलि अर्पित करीए छे। अने अहींया अमे आव्या अने आ स्थळे अमे जोई रह्या छे के भारतीय बौद्ध महासभाना माध्यमथी बौद्धिस्टना जातीय प्रमाणपत्र आपवा माटेना भी कार्यक्रम चाली रह्या छे ने एनो स्थल भी स्टेल भी लगाववामां आव्या छे ने आवी प्रवृत्तिओ वारंवार थती रहेवी जोईए अने करवी जोईए। प्रजाना माटे अमे लोको आवा एक मैसेज मोकलवा मांगीए छे कि जेथी करीने तमारी पासे कम से कम जा
જાતિના પ્રમાણપત્રો હોવા જરૂરી છે. અમે લોકો ગુજરાતમાં સ્થાયી છે, ગુજરાત રાજ્યના અંદર અમારી પાસે જાતિના પ્રમાણપત્ર નથી અને જે છે તેના પર પરપ્રાંતિના સિક્કા લગાડવામાં આવે છે, જેના જેથી કરીને અમારા સમાજના કે અમારા યુવા પેઢીઓને કશે નોકરીમાં સહાય કે કશે કોઈ ઉપલબ્ધિઓ મળી શકતી નથી. તો આપ સૌને ફક્ત સુરત શહેરને ગુજરાતના નાગરિકોને મારે એટલી જ અપીલ કરવી છે કે તમે વધુમાં વધુ ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાના કેમ્પ લગાવો, સ્ટોલ લગાવો અને એમના માધ્યમથી જાતિના પ્રમાણપત્ર જે મળી આવે છે તે મેળવીને તમે તમારા નોકરીમાં કાં તો સ્કૂલમાં બધી જગ્યા પર તમે એનો ફાયદો મેળવી શકો છો. અને આજે સ્વાભિમાની રિપબ્લિકન પાર્ટીના તમામ ટીમના પદ અધિકારીઓ ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાના બધા પદ અધિકારીઓની સાથે સહયોગથી આ કાર્યક્રમને આગળ વધાવી રહ્યા છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય.